कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 4 म्यूचुअल फंड्स के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ और गहराई, कुछ और नॉलेज और कुछ थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा मैजिक। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड का टॉपिक आज हम काफी हद तक आगे तक ले जाएंगे। बेटे, आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। मैंने अभी तक आई हैव टेकन 3 लेक्चर्स इन दिस म्यूचुअल फंड, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, एंड आई हैव डिस्कस व्हाट आर द यू नो व्हाट आर द नेसेसिटी ऑफ दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, हु आर द पिलर्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड। सो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद 3 न्यू कॉन्सेप्ट्स इन रिगार्ड टू म्यूचुअल फंड। So before I start with, I request you that please sit in this style, you know, this style I have prepared for you. You have to, आपको अपनी चेयर और टेबल में बैठ के पढ़ना है, आपको अपनी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखनी है, तो आपको ज्यादा समझ आएगा, सरस्वती की देवी ज्यादा आपके पास आएंगी। लेक्चर नंबर 4 मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और बेटे मैंने लिख दिया नाम म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में आज का ये जो लेक्चर है, मैं इस लेक्चर का नाम रखता हूं लेक्चर नंबर 4। दोस्तों, ये छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, करने को तो मैं एक साथ ही 2-3 घंटे की क्लास ले सकता था, कंप्लीट भी हो जाता, लेकिन बेटे मैंने कंप्लीट करने के लिए थोड़ी आपसे प्यार किया है। मैं चाहता हूं कि आपको A to Z सारे कंसेप्ट, सारी बातें धीरे धीरे बताऊं, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। बेटे मैंने अभी तक आपको स्पॉन्सर्स, स्ट्रक्चर, स्टैचूज, इंट्रोडक्शन, आज कुछ और बताएंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस। बेटे मैं आज 2-3 कॉन्सेप्ट्स नए बताऊंगा, आई विल बी टेलिंग यू सम न्यू 3-4 कॉन्सेप्ट्स। और यकीन मानिए, ये पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है म्यूचुअल फंड। पहला क्वेश्चन कंपल्सरी आ रहा बेटे, पता ही है, लेकिन वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, मेरे को लगता है 6th या 7th लेक्चर से मैं प्रैक्टिकल कराना शुरू कर दूंगा। तो प्लीज अपना रजिस्टर ओपन कर लें और जल्दी से लिखें, बी हैप्पी बी जॉली बी चेयरफुल, बी हैप्पी बी जॉली बी चेयरफुल। आज के इस लेक्चर में बेटे मैं 3 नई बातें आपको बताने वाला हूं। वैसे तो ये लास्ट क्लास में भी बता सकता था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे अलग अलग सेपरेट छोटे छोटे लेक्चर्स बताने चाहिए जिससे आपको ज्यादा समझ आए। बेटे आज मैं पहली बात एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड बताऊंगा, दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड। व्हेन आई से एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड, तो बेटे मैं कहता हूं उसका नाम है कंसेप्ट नंबर 12। सो आई विल बी डिस्कसिंग विद 3 कॉन्सेप्ट्स, कंसेप्ट 12 एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड, कंसेप्ट 13 व्हाट आर द कॉस्ट रिलेटेड विद म्यूचुअल फंड। आज हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड कैसे चलता है, उसके खर्चे क्या हैं, उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हैं, उसके सेलिंग एक्सपेंसेस क्या हैं, क्या क्या खर्च होता होगा, और लास्ट में मैं बेटे यूट्यूब की एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा देर आर सम रिस्क इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड। वो 14 अक्षर, वो 14 वर्ड्स हम आज डिस्कस करेंगे। तो बेटे मैं कंसेप्ट 12, कंसेप्ट 13, कंसेप्ट 14, ये 3 कंसेप्ट्स की बातें करने वाला हूं। तो जल्दी से आप पहले तो कंसेप्ट नंबर 12 अपने रजिस्टर में लिख दें। बेटे मैं एडवांटेजेस की बात करूंगा और मैं विकिपीडिया में सबसे पहले चला जाऊंगा, और एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो बेटे एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड है क्या, व्हाई यू वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, व्हाट आर द पॉजिटिव्स ऑफ म्यूचुअल फंड। बेटे किसी भी चीज के पॉजिटिव्स भी होते हैं और नेगेटिव्स भी होते हैं, हम पहले पॉजिटिव्स को डिस्कस करेंगे, हम पहले प्लस साइड को डिस्कस करेंगे। बेटे एडवांटेजेस में मैं ये कह सकता हूं कि आपको ह्यूज बेनिफिट्स मिल सकते हैं इफ यू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड। तो देखते हैं जरा विकिपीडिया की नजर से, इंक्रीज डाइवर्सिफिकेशन, अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी डाइवर्सिफिकेशन, आपकी जो आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते तो शायद उतनी डाइवर्सिफिकेशन नहीं होती। इट मींस इफ यू वुड हैव डायरेक्टली इन्वेस्टेड इन अ स्टॉक, इट मे बी पॉसिबल दैट डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मे नॉट बी अचीव। बट इफ यू आर इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड, डाइवर्सिफिकेशन मीन्स I am not investing in a single basket. I am investing in different baskets. मैं एक ही basket में invest नहीं कर रहा।
मैं अलग अलग बास्केट्स पे जाकर अलग अलग इन्वेस्ट कर रहा हूं। और बेटे एक कहावत बड़ी मशहूर है, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। अभी मैं लिखवाऊंगा बताऊंगा, अंडे सारे अंडे एक ही बास्केट में मत रखो। जैसे आपको कहीं जाना है और आप एक ही पॉकेट में सारे पैसे रख लेते हैं, जैसे दिल्ली से आगरा जाना और आप बस से जाएंगे और बस में बड़ी भीड़ है, आपको पता है कि बस में जेब कतरे हो सकते हैं, चोरी हो सकती है, और आप एक ही पॉकेट में सारे पैसे रख लेंगे, बेटे चोरी हो गए तो सारे ही खत्म हो जाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, चोर को कंट्रोल नहीं कर सकते और आपको आगरा जाना भी है तो आप क्या करेंगे, कुछ पैसे यहां रखेंगे, कुछ पैसे यहां रखेंगे, कुछ पैसे सीक्रेट पॉकेट में रखेंगे, कुछ सॉक्स के अंदर रख लेंगे, कुछ कपड़ों के अंदर। आपको खुद नहीं पता होगा कहां पर पैसे रखे हैं, वो तो आगरा जब पहुंचेंगे होटल में कपड़े वपड़े खोलेंगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा यहां भी पैसे रखे थे, यहां भी रखे थे। इसका मतलब आपने अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया। इसी तरह से बेटे अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इफ यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेनिफिट यू विल एंजॉय दैट इज नेम्ड एज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन इज अ वेरी ब्यूटिफुल बेनिफिट विच आई कैन अवेल बाय इन्वेस्टिंग माय स्मॉल फंड्स, बाय माय स्मॉल सेविंग्स, एंड आई कैन एंजॉय दैट डाइवर्सिफिकेशन। अब बेटे से बेनिफिट क्या होता है, बच्चे ने पूछा। बेटे आप मुझे एक चीज बताइए कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूँ, मैं अगर खाली वीडियो लेक्चर सीन हूँ और इसमें भी एक ही सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, तो बेटे ऐसा तो हो सकता है ना कि एक सिलेबस, एक ही सब्जेक्ट का सिलेबस ही चेंज हो गया तो बेटे मैं तो मारा ही जाऊँगा। तो मैं अपना रिस्क कैसे डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ, मैं CFA के लेक्चर्स भी लूंगा, मैं वो भी पढ़ाऊंगा, मैं AC से लंदन पढ़ाऊंगा, मैं CS पढ़ाऊंगा, मैं CS में प्रैक्टिकल भी थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, मैं 11th 12th भी लूंगा। तो बेटे इससे क्या होगा, सभी क्लासेस का एक साथ सिलेबस कभी चेंज नहीं होने वाला, तो मेरा रिस्क डाइवर्सिफाई हो गया। आप बात समझ पा रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन की। तो पहला बेनिफिट विच आई विल बी एंजॉयिंग बाय इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड इज डाइवर्सिफिकेशन। तो बेटे वही विकिपीडिया ने लिखा है। दूसरा बेटे डेली लिक्विडिटी, ये देखिए क्या लिखा है, लिक्विडिटी। आपको मालूम है कि म्यूचुअल फंड के यूनिट्स भी हम डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। इफ इट इज अ ओपन एंडेड स्कीम आई कैन डायरेक्टली गो टू अ म्यूचुअल फंड, आई कैन डायरेक्टली सेल माय यूनिट्स एट द करंट ऑन द बेसिस ऑफ NAV, जो भी करंट नेट एसेट वैल्यू चल रही है। और बेटे अगर क्लोज एंडेड फंड है तो मैं डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में जाकर उसको सेल परचेज कर सकता हूं, आई कैन बाय आई कैन सेल, एंड हेंस आई कैन बिकम रिचर। लिक्विडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। बेटे कुछ फंड्स को छोड़ दें, वैसे 90% केसेस में देयर इज अ वेरी ह्यूज लिक्विडिटी इन म्यूचुअल फंड्स। सो सेकंड बेनिफिट इज लिक्विडिटी। बेटे एक्सपर्ट नॉलेज मिलती है, जो थर्ड बेनिफिट लिखा है विकिपीडिया ने, प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। बेटे मैं इस समय ऑनलाइन हूँ, विकिपीडिया में हूँ और मैं म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स बता रहा हूँ। एक बच्चा कहता है सर आज आपने कोई स्लाइड्स नहीं लिखी। लिखिए बेटे, अभी बताऊंगा, अभी लिखवाऊंगा आपको। मैं ये बता रहा हूँ कि जो मैं बताने जा रहा हूँ विकिपीडिया भी वही कहता है। बेटे आप मुझे बताओ, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था दैट स्पॉन्सर विल अपॉइंट अ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एंड इन दैट एसेट मैनेजमेंट कंपनी वी हैव ह्यूज नॉलेजेबल प्रोफेशनल्स। We will be having CEO, I will be having CIO, Chief Investment Officer, and that person, you know, I have shown you that Mr. Tripathi in case of Reliance Mutual Fund, that CIO will be responsible for investing your funds, and that person is knowledgeable because that person is supported by research team. Beta, uske piche research team baithi hai. आपको क्या लगता है जो मोदी जी कर रहे हैं खाली मोदी जी कर रहे हैं? नहीं बेटे, मोदी जी के पीछे एक रिसर्च टीम है, वो पॉलिसीज देखती है, वो दुनिया को देखती है, उसके बाद कुछ पॉलिसीज को डिसाइड करती है और वो मोदी जी के सामने रखती है और मोदी जी उसमें से कुछ डिसाइड करके बताते हैं। ऑन द सेम बेसिस मैं यही बात आपको कहना चाहता हूँ कि इफ यू आर डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन अ सिक्योरिटी, यू मे नॉट हैव दैट एडिक्वेट नॉलेज। बेटा लेक्चर 1 में आपने देखा था कि मैंने कहा था व्हाई देयर इज अ नीड टू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड, बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच टाइम, आई डोंट हैव दैट मच कैलिबर, आई डोंट हैव दैट मच स्किल, आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज, आई कैन नॉट डू फंडामेंटल एनालिसिस, आई कैन नॉट डू टेक्निकल एनालिसिस, बिकॉज इट विल टेक ह्यूज टाइम, ये मेरा समय ले लेंगे। तो मैं दूसरे रूट के थ्रू जाता हूँ, मैं डायरेक्टली गुलाब जामुन नहीं खा रहा, मैं गुलाब जामुन किसी से मंगवा रहा हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि वो गुलाब जामुन मेरे को देने से पहले थोड़ा सा खुद खा जाएगा,
खुद खा जाएगा। हाँ बेटे, एमसी वाले कुछ हमारे से लोड लेंगे, कुछ खर्चे होंगे उनके, कुछ कुछ वो खर्च हमारे से एक्सपेंसेस बियर कराएंगे, ठीक है, फिर भी 90% तो मुझे बेटा गुलाब जामुन मिला। जरूरी नहीं है कि मैं डायरेक्टली अगर गुलाब जामुन लेने जाता तो मुझे सही मिलता या मैं खा पाता, क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्ट करना हैज ह्यूज रिस्क। तो दोस्तों, मैं इस समय आपके सामने खड़ा हूं भूपेश आनंद, और मैं ये चाहता हूं कि आज आप कंसेप्ट नंबर 12 में आ जाए और हेडिंग लिखें अपने रजिस्टर में, एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड। इट मींस व्हाट आर द पॉजिटिव्स इफ आई गो थ्रू अ रूट ऑफ म्यूचुअल फंड। बेटा सबसे पहला बेनिफिट मैंने लिखा प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट मैनेजमेंट, बिकॉज आई विल बी गेटिंग द टिप्स, बिकॉज माय चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर विल बी इन्वेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च टीम, that where to invest, when to invest, how much to invest, when to sell. If any security is not giving a particular return, I will sell it. So that type of knowledge, that type of expert report which I will be getting, that can only be possible through investing with mutual funds. So please write down, mere dosto, pehla likhe, expert management. बेटे मैंने एक घड़ा बनाया, इस घड़े में मैंने लिखा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक कंपनी सेक्रेटरी है, एक सीएफए है, एक सीटीए है, एक एक्सपोर्ट है। इन्वेस्टर्स अवेल सर्विसेज ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स, इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड अवेल सर्विसेज ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स हु आर बैक्ड बाय, बेटे वो जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उसके पीछे टेक्निकल एनालिस्ट बैठे, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बैठे, उसके पीछे फंडामेंटल एनालिस्ट बैठे, कंपनी एनालिस्ट बैठे, सेक्टर स्पेशलिस्ट बैठे, वो सब मुझे एनालाइज करके मेरी को रिसर्च में एक रिपोर्ट देंगे एंड आई विल डायरेक्टली इन्वेस्ट। इट मींस इट कैन नॉट बी पॉसिबल इफ आई गो इन डायरेक्ट रूट अदर देन म्यूचुअल फंड। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? सो द फर्स्ट बेनिफिट इज इन्वेस्टर्स अवेल सर्विसेज ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स हु आर बैक्ड बाय डेडिकेटेड टीम। बेटा सेकंड बेनिफिट मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूं, उसका नाम है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है मैं एक ही पॉकेट में अपने एग्स ना रखूं, मैं अलग अलग रखूं, मैं एक ही जगह इन्वेस्ट ना करूं। आई विल इन्वेस्ट इन डिफरेंट सिक्योरिटीज हैविंग नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन दीज टू। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ बेटे? अगर एक सिक्योरिटी और दूसरी सिक्योरिटी का आपस में रिलेशनशिप नहीं है तो फिर क्या होगा? अगर एक सिक्योरिटी बढ़ेगी तो दूसरी गिरेगी, एक गिरेगी तो पहली बढ़ेगी। इसका मतलब आई विल बी एट अ सेफर पोजीशन, दैट इज नेम्ड एट डाइवर्सिफिकेशन। सपोजिंगली मैंने एक शेयर ले लिया अपोलो टायर्स का, फिर मैंने डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिया एमआरएफ टायर्स, फिर मैंने डनलप टायर्स, फिर मैंने सीएट टायर्स, और बेटे टायर की कंपनी टायर सेक्टर में डूब गया तो बेटे मैं ही डूब जाऊंगा। बट इफ आई इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड दे डायरेक्टली गो इन डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट इकोनॉमी एज पर द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। सो सेकंड बेनिफिट इज डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट इन अ नंबर ऑफ कंपनीज अक्रॉस अ बोर्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, होटल सेक्टर, ऑयल सेक्टर, स्टील सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर। I will invest in different sectors. So my risk is minimized. So that is my second benefit which I will be getting by investing through mutual funds. Third benefit, मेरे बेटे मेरे एक लिखा, do not put, आप भी लिखें, do not put all eggs in one basket. एक ही basket में सारे अंडे मत रखिए, क्योंकि बिल्ली आएगी, रात को बिल्ली आएगी और आप सो जाएंगे, और जब बिल्ली आएगी और झपट्टा मारेगी बेटे उस बास्केट में तो सारे ही अंडे टूट जाएंगे। आप क्या करें, थोड़े से अंडे इस बास्केट में, थोड़े से इसमें, थोड़े से इसमें, थोड़े से इसमें। बेटे इसके पीछे मैंने हार्वर्ड, मैंने बड़ा ही जबरदस्त एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में एक बड़ी अच्छी थ्योरी कराई है, और उसका नाम है हैरी मार्कोविस। बहुत छोटा था, अपनी दादी जी से पूछता था कि दादी ये रोज आप, इंग्लैंड में रहता था बेटे हैरी मार्कोविस, और उसकी दादी अंडों का काम करती थी, मुर्गी के अंडे बेचती थी, रोज रात को मुर्गी के अंडे वो अलग अलग बास्केट में रख देती थी। एक दिन हैरी मार्कोविस ने पूछा, दादी ये क्या कर रहे हो? तो दादी ने डाइवर्सिफिकेशन का एग्जाम्पल दिया, ये कहा कि बिल्ली एक बास्केट को तोड़ेगी बेटे, बाकी तो बच जाएगी। चलिए तो मैं दो बेनिफिट बता चुका हूं बेटे। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है एक्सपर्ट
कमेंट एक्सपर्ट की नॉलेज का यूज करेंगे, बेटे डाइवर्सिफिकेशन होगा। तीसरा कन्वीनियंट है बेटे, कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन, पेपरलेस वर्क है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, एमफी आप डायरेक्टली देख सकते हैं कितनी एनएवी है, कितने एसेट्स हैं, कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्कीम्स क्या हैं, बेटे बेटे आराम से सब काम हो सकता है विदाउट एनी हैसल, कोई बेटा हेरा फेरी के चांसेस नहीं है, आप ही के बैंक अकाउंट में जाकर क्रेडिट होगा पैसा, आप ही के बैंक अकाउंट से निकलेगा, केवाईसी होगी, नो योर कस्टमर, सो एवरीथिंग इज वेरी प्रॉपरली एडमिनिस्टर्ड, सो इट इज कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन। Investing in mutual fund reduces the paperwork and helps to avoid many problems like delayed payments, follow-up with brokers, etc. But then next में आ गया liquidity. मैंने अभी भी बताया कि due to some emergent reasons, ऐसा हो सकता है कि आपको mutual fund units बेचने पड़ जाएं. बेटे दो तरह की स्कीम्स होती है, मैंने बताया था, एक होती है ओपन एंडेड और दूसरी होती है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में तो डायरेक्टली फंड मैनेजर के पास जाकर डायरेक्टली वहीं से एग्जिस्टिंग एनएवी के बेसिस पे और जो लोड है उसके बेसिस पे आप अपने यूनिट्स को सेल कर सकती हो। बट इन केस ऑफ क्लोज एंडेड बेटे आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में जाकर रेगुलरिटी में सेल हो रहे बेटे यूनिट्स, यू कैन डायरेक्टली सेल एंड यू कैन डायरेक्टली बाय फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। सो दिस इज माय फोर्थ बेनिफिट। फर्स्ट बेनिफिट एक्सपर्ट नॉलेज, सेकंड बेनिफिट इज डाइवर्सिफिकेशन, थर्ड इज वेल एंड कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन, फोर्थ बेनिफिट इज लिक्विडिटी। बेटे फिफ्थ बेनिफिट, बेटे फोर्थ को लिख लो, पहले लिख लो लिख लो। एक बच्चा कहता है सर आपने नोट्स में लिखा हुआ है। हाँ बेटे लिखा, मैं दिखा रहा हूँ बेटे लिखा है, बेटे मैंने लिखा है, मैं दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फाइव बेटे आप निकाले मेरी बुक का, क्वेश्चन नंबर फाइव निकाले, क्वेश्चन नंबर फाइव निकाले बेटे। व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल फंड? बेटे मैंने अपनी बुक को कंसेप्ट में और क्वेश्चन आंसर में डिवाइड किया है। व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल फंड, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो बेटे मैंने एडवांटेजेस नीचे लिखी है, टेबल फॉर्म में लिखी है। तो फिर वो कहता है बच्चा फिर लिखने की क्या जरूरत है? बेटे जहां पर जो लिखा है और जो मैं लिखवा रहा हूँ बेटे टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट इन द सेंस लैंग्वेज डिफरेंट है, कंसेप्ट सेम है लेकिन मैं जो लिखवा रहा हूँ बड़ी ईजी लैंग्वेज है, इसमें भी ईजी है बट मैंने जान के स्लाइड्स आपको डिफरेंट लैंग्वेज पे बनाई सो दैट आपको मैं फोर्स कर दूं इनडायरेक्टली कि आपको स्लाइड्स भी लिखनी है। और कहते हैं जब हम लिखते हैं तो ज्यादा समझ आता है। आइए 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 मेरे बेटे आइए लिक्विडिटी, लिक्विडिटी में के बाद मैं आ गया जी। लिक्विडिटी में मैंने एक तो ओपन एंडेड स्कीम के बारे में बताया और एक बेटे क्लोज एंडेड स्कीम के बारे में बताया। बेटे दो स्कीम्स हैं, एक ओपन एंडेड एक क्लोज एंडेड। इन केस ऑफ ओपन एंडेड स्कीम आई कैन डायरेक्टली सेल द यूनिट्स टू एएमसी, बट इन केस ऑफ क्लोज एंडेड आई कैन डायरेक्टली गो इन द स्टॉक एक्सचेंज। इट मींस वेदर इट इज अ ओपन एंडेड और इट इज अ क्लोज एंडेड आई विल एंजॉय लिक्विडिटी। ठीक है जी, आगे आ जाइए। फिफ्थ बेनिफिट लो कॉस्ट है बेटे, इतनी कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है और कुछ ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी डीमैट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पैन अकाउंट नंबर होना चाहिए और चेक होना चाहिए, आई कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट और बेटे लो कॉस्ट होगी। तो लिख लें बेनिफिट, म्यूचुअल फंड इज लेस एक्सपेंसिव। अगर मैं डायरेक्टली उस कंपनी के शेयर्स लेता हूँ और मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू लेता हूँ तो बेटे म्यूचुअल फंड के थ्रू जब मैं लेता हूँ तो लो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, तो लो कॉस्ट टू इन्वेस्ट एज कंपेयर टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हेंस वी आर डिस्कसिंग द बेनिफिट्स। बेटे वेल रेगुलेटेड, आपको पता है म्यूचुअल फंड के लिए सेबी बड़े बड़े पापा ने दो तरह की रेगुलेशंस निकाली है, एक तो म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस है, एक LODR है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। इट मींस एनी म्यूचुअल फंड इज शुड बी रजिस्टर्ड विद सेबी। और बेटे इसकी अलग से एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। और बेटा दो तरह की रेगुलेशन सेबी ने जो निकाली है वो फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब हमने अच्छी तरह से म्यूचुअल फंड की ऑर्गेनाइजेशन को बांध के रखा है क्योंकि बेटे पब्लिक के पैसे हैं, ये पब्लिक है सब जानती है, हमें पब्लिक का विश्वास नहीं तोड़ना। इसलिए सेबी हैज प्रिपेयर्ड टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट यू नो म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस व्हिच आर रेलेवेंट विद म्यूचुअल फंड। सो प्लीज राइट डाउन 6 पॉइंट, वेल रेगुलेटेड। अगर मैं डायरेक्टली इन्वेस्ट करता हूं तो इट इज नॉट वेल रेगुलेटेड, मैं अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू करता हूं तो म्यूचुअल फंड्स आर वेल रेगुलेटेड, ऑल म्यूचुअल फंड्स आर रजिस्टर्ड विद सेबी एंड फंक्शन एज पर रेगुलेशंस डिजाइन टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स। बेटे जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, एक्सिस म्यूचुअल फंड है,
एचडीएफसी है, रिलायंस है, इन सभी में बेटे सभी ऑल आर रेगुलेटेड विद सेबी, ऑल आर रजिस्टर्ड विद सेबी, एंड इफ यू आर रजिस्टर्ड विद सेबी बेटे बड़े पापा ने रूल्स निकाल दिए, रेगुलेशंस बना दिए कि ये करना है ये नहीं करना, ये खाएं ये ना खाएं, ये ऐसा करें ऐसा ना करें, तो इसका मतलब इन्वेस्टर्स का फंड प्रोटेक्टेड है, ठीक है जी। नेक्स्ट बेनिफिट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, आप जब मर्जी जो मर्जी स्कीम से शिफ्ट भी कर सकते हैं, यू कैन शिफ्ट फ्रॉम इनकम स्कीम टू ग्रोथ स्कीम, फ्रॉम ग्रोथ टू टैक्स सेविंग स्कीम, इट मींस फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। तो लिखे इन्वेस्टर कैन सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट और विड्रॉ द मनी एज पर हिज ओन फ्लेक्सिबल प्लान्स, देयर इज नो फिक्स्ड रूल। बेटे ये कितना अच्छा है, आप ये बताएं, लिख रहे हैं बेटे, एक बच्चे ने लिखना छोड़ दिया, उसके ऊपर थप्पड़ मारूंगा मैं, लिख लो बेटे 7 पॉइंट लिख लो, बेनिफिट्स कर रहे हैं बेटे, यकीन मानिए अगर आप लिख लेंगे तो आधे से ज्यादा काम हो भी गया आपका, फिर आपको जो मेरे एग्जांपल्स हैं जल्दी समझ आएंगे और इजीली काम हो सकता है। आप बात समझ रहे हैं, इन्वेस्टर कैन सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट और विड्रॉ फंड्स अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड कन्वीनियंस, ठीक है जी, ठीक है। लास्ट बेनिफिट बेटे, बेनिफिट तो ऐसे लिस्ट बन सकती है लेकिन मैंने 8 बेनिफिट्स आपके सामने लिखे हैं। ट्रांसपेरेंसी बेटे, moneycontrol.com से मैंने आपको दिखाया, एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट, एनएवी क्या है, कहां पे इन्वेस्ट किया है, स्कीम क्या है, कितना लोड ले रहे हैं, कौन सा एएमसी है, कौन सीआईओ है, कौन सीईओ है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, यू नो नथिंग इज हाइडिंग, यू नो। तो इसका मतलब जब एक चीज ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है तो मेरा विश्वास, मेरा ट्रस्ट बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट लास्ट बेनिफिट मैं लिख रहा हूं, ट्रांसपेरेंसी। बेटे पहला बेनिफिट आपको बताया, एक्सपर्ट था, एक्सपर्ट नॉलेज था, डाइवर्सिफिकेशन था, फिर मैंने कहा कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन था, फिर लो कॉस्ट थी, फिर लिक्विडिटी थी, फिर फ्लेक्सिबिलिटी थी। अब बेटे मैं डिस्कस कर रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी। लिखे इन्वेस्टर्स गेट रेगुलर इंफॉर्मेशन ऑन द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, द प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट। बेटे रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है उसकी वैल्यू कितनी चल रही है, कितने पैसे इस म्यूचुअल फंड की स्कीम ने कहां पे इन्वेस्ट किए, ऑफशोर कितने किए, इंडिया में कितने किए, ठीक है जी। अमाउंट इन्वेस्टेड इन ईच क्लास ऑफ एसेट्स एंड अबाउट फंड मैनेजर स्ट्रेटजी, इसका मतलब चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने वाला है, बेटे इसके बारे में भी हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। हेंस म्यूचुअल फंड्स आर मोर ट्रांसपेरेंट एज कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट। So these are the advantages if I invest through mutual fund. तो बेटे मैं next में आ रहा हूँ, मैं next में आ गया बेटे, मैं next concept की तरफ बढ़ गया और मैं अब बताने जा रहा हूँ बड़ा ही छोटा सा concept, concept number 13, cost related to mutual fund. कि बेटे अगर हम एक mutual fund चलाते हैं तो what can be the different types of cost? आप सोचिए कि mutual fund कोई टायर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, कोई गाड़ियां नहीं बना रहा, कोई सीमेंट नहीं बना रहा, म्यूचुअल फंड में कौन लोग होंगे बेटे? एक तो मैंने कहा एक तो एएमसी होगी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी, उसमें प्रोफेशनल्स बैठे होंगे, उसमें कोई स्टाफ होगा, उसमें कोई लोअर स्टाफ होगा, एक बिल्डिंग होगी, अगर किराया होगा तो हमें किराया देना पड़ेगा, नेट के पैसे होंगे, ऑडिट फीस होगी बेटे, कुछ फीस सेबी को देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी। इसका मतलब आई कैन डिवाइड द कॉस्ट ऑफ अ म्यूचुअल फंड इनटू टू पार्ट्स। एक तो ऑपरेट करने के लिए कि भाई हम इस धंधे को ऑपरेट कर रहे हैं, तो बेटे ऑपरेशन की कॉस्ट होगी, ऑपरेशन एक्सपेंसेस होंगे, और एक होगी सेल्स एक्सपेंसेस, हमें अपनी स्कीम्स को प्रमोट करना है। आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी न्यूज़पेपर में, बेटे टीवी में आती रहती हैं, एचडीएफसी की, एसबीआई की, एक्सिस की, अलग अलग फंड्स अपनी एडवर्टाइजमेंट्स लेकर आ रहे हैं। तो बेटे दैट कॉस्ट, सेल्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो बेटे मैं ये कहता हूँ नेक्स्ट कंसेप्ट, आप प्लीज अपना रजिस्टर खोल लें, मैंने इसको अपनी बुक में नहीं लिखा कॉस्ट को, तो इसलिए आपको लिखना जरूरी है। कंसेप्ट नंबर 13, कॉस्ट रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड। कॉस्ट रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट। मैं अगर मोटा मोटी डिवाइड करूं तो बेटे कॉस्ट को मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूं। एक तो है ऑपरेटिंग कॉस्ट और बेटे दूसरी है सेल्स कॉस्ट, सेल्स चार्जेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हुई, एज अ नेम इंडिकेट्स, इफ आई वॉन्ट टू ऑपरेट अ म्यूचुअल फंड, अगर मुझे म्यूचुअल फंड ऑपरेट करना है, चलाना है, तो उसको चलाने के क्या क्या खर्चे आएंगे बेटे? जैसे ऑडिट फीस, एग्जांपल्स लिखें,
एडवाइजरी फीस, कई बार हम परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रखते इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स को, तो उनको एडवाइजरी फीस देनी पड़ती है क्योंकि वी आर गेटिंग द एडवाइस फ्रॉम देम। और अगर परमानेंट रख लिया तो बेटे सैलरी देनी पड़ेगी, ऑडिट फीस हो गया, कस्टोडियन को पैसे देने पड़ेंगे, ट्रांसफर एजेंट को पैसे देने पड़ेंगे, जो मार्केट इंटरमीडियरीज है जो हमने अपॉइंट किए उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो बेटे एग्जाम्पल लिख लें ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस के, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस में पहला है ऑडिट फीस, दूसरा है एडवाइजरी फीस पेड टू इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स बेटे, तीसरा है कस्टोडियल फीस, ट्रांसफर एजेंट फीस, ट्रस्टी फीस, सैलरीज, एजेंट्स कमीशन। इट मींस द कॉस्ट व्हिच इज रिलेटेड विद ऑपरेशन ऑफ अ म्यूचुअल फंड। बेटे यहाँ कोई रॉ मटेरियल कॉस्ट नहीं है, यहाँ पे कोई लेबर कॉस्ट नहीं है, हम यहाँ पर सैलरीज देंगे, हम यहाँ पर मार्केट इंटरमीडियरीज की सर्विसेज की कॉस्ट देंगे, कस्टोडियन के पैसे देंगे, ट्रांसफर एजेंट के पैसे देंगे, ऑडिट फीस देंगे, सेबी की कोई फीस होगी तो वो देंगे, बस बेटे यही कॉस्ट है, इसको हम कहते हैं दीज आर ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो आप लिख लें एक्सपेंस रेशियो। बेटे अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने कॉस्ट रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड को रोमन वन में लिखा, देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट। पहली कैटेगरी है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और दूसरी कैटेगरी है सेल्स चार्जेस। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट। उसके बाद मैंने लिखा सेकंड में, बेटे सेकंड में फॉलोइंग कैन बी एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बेटे हमने कुछ एग्जांपल्स दिए आपको समझाने के लिए कि एक म्यूचुअल फंड के क्या क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं। बेटे फिर मैंने लिखा थर्ड मैंने लिखा, बेटे आपको जब पता चल गया कि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं तो बेटे हम एक रेशियो भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सीखा था रेशियो, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स। तो रेशियो मींस आई कैन कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंसेस एंड द नेट एसेट्स मैनेज्ड बाय दैट, तो दैट इज नेम्ड एज एक्सपेंसेस रेशियो। तो बेटे एक्सपेंस रेशियो को हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट एसेट्स इनटू 100। फोर्थ पॉइंट में आ गया बेटे, अब ये जो एक्सपेंसेस है ना लिमिट से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो हमारी सेबी की जो रेगुलेशंस है वो हमें बताती हैं कि भाई इस स्कीम में इससे ज्यादा खर्चे आप नहीं कर सकते। अगर आपने ज्यादा खर्चे किए तो बेटे एएमसी को, ट्रस्टी को या स्पॉन्सर को खुद अपनी पॉकेट से भरने पड़ेंगे। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो तो खड़ा हो गया, उसने कहा अच्छा ये भी होता है, हाँ बेटे। तो रोमन चार में लिखो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्कीम, बेस्ड on the type of scheme and the net assets, beta scheme or net assets, operating expenses are determined within limits specified in SEBI mutual fund regulations. Beta operating expenses are determined within limits as per SEBI mutual fund regulations. And if ab ye point bada important hai, fifth point, एक्सपेंडिचर विच इज इन एक्सेस ऑफ, बेटे मैंने बुक में नहीं लिखा, आपको लिखना पड़ेगा, आप प्लीज ज्यादा चलाक ना बने, आप प्लीज लिख लें एक्सपेंडिचर विच आर विद इन दैट लिमिट, देन इट इज ओके। बट इफ दोज एक्सपेंसेस रेशियो, दैट एक्सपेंस विच इज इनकर्ड बाय दैट म्यूचुअल फंड इज मोर देन द स्पेसिफाइड एज पर रेगुलेशंस, then I will say that expense, the additional part will not be bearded by mutual fund, rather it will be bearded by sponsor or AMC or trustee. To yahi baat likhiye beta, expenses which is in excess of specified limits shall be borne by asset management company, trustee or sponsor. Ab main aa gaya ji last concept mein, aaj ke last concept mein. Beta maine do concepts bata diye, maine aaj teen concepts batane hain. बेटे पहला कंसेप्ट था एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड, कंसेप्ट नंबर 12। फिर मैंने कहा कॉस्ट रिलेटेड विद म्यूचुअल फंड, कंसेप्ट नंबर 13। अब मैं कंसेप्ट नंबर 14 कराने जा रहा हूं बेटे, रिस्क इन्वॉल्वड इन म्यूचुअल फंड। आपको पता है कि आज आप अपने रूम में बैठे हैं वहां पे भी रिस्क है, अर्थक्वेक आ सकता है, सुनामी आ सकता है बेटे, अनसर्टिनिटी, आप पेपर देते हैं तो आपको रिस्क है, इस दुनिया में हर चीज का रिस्क है, आप सड़क में जाते हैं तो रिस्क है, बस में चढ़ते हैं तो रिस्क है, क्या पता उस बस ड्राइवर ने रात को शराब पी के रखी हो तो आपको क्या पता टक्कर मार दे बेटे, क्या पता आप खुद कार ठीक चला रहे हो लेकिन सामने वाला ठीक नहीं चला रहा बेटे, ये दुनिया में अनसर्टिनिटी है। तो मैं अब आपसे ये कहने जा रहा हूं कि क्या म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो क्या अनसर्टिनिटी है? हाँ है बेटे, आपने कभी ध्यान से
एडवर्टाइजमेंट देखी नहीं ना, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान से बातों को देखा करें, तब आपको पता चलेगा कि क्या सच में ही सच में ही सच में ही रिस्क है या नहीं है। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। क्या आपने एक महान व्यक्ति का नाम सुना है जिनका नाम है अरे YouTube से मैंने एडवर्टाइजमेंट लिया है, मैंने कुछ नहीं किया, YouTube से HDFC की आपको मैं एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा हूं रिस्क को एक्सप्लेन करने। व्हाई आर म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इस म्यूचुअल फंड की हेडिंग है। बेटे HDFC म्यूचुअल फंड की एड है, मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता है ऐसा देख के, बहुत कम नजर मैंने ऐसा देख, ईश्वर ने सिक्योरिटी या सेफ्टी नाम की चीज दुनिया में कहीं नहीं पाई। सुनिएगा क्या कह रहे हैं, इस प्रकार से शिक्षा प्राप्त की हो वो क्या कहता है कि ईश्वर ने इस दुनिया को बनाई है और ईश्वर ने सिक्योरिटी या सेफ्टी नाम की चीज दुनिया में कहीं नहीं पाई। ईश्वर ने इस दुनिया में सिक्योरिटी और सेफ्टी नाम की चीज कहीं नहीं रखी है। इसका मतलब जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो देयर आर सम रिस्क इन्वॉल्व्ड इन दैट। कहने का मतलब यह है कि गारंटी सिक्योरिटी सेफ्टी जो खुदा नहीं बनाया, जो ईश्वर ने नहीं बनाया, वो इंसान कैसे दे सकता है। और वही हम ढूंढते हैं, वही हम समझने की कोशिश करते हैं। और वो एक खूबसूरत बात कहती है कि आप जितना ज्यादा सेफ्टी को पाओगे उतना रिस्क आपका बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों ये सही है कि डिजायर फॉर सिक्योरिटी स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी नॉट रॉन्ग। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जीवन सेफ रहे, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में स्थायित्व रहे, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर जो खतरे न हो, तो ये गलत नहीं है। पर दोस्तों ये रियल नहीं है। आप ये बात समझ रहे हैं, सुनना जरा ध्यान से। आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में कभी भी कुछ कष्ट नहीं आए, मेरे जीवन में कभी परेशानी नहीं आए, मेरा जीवन सेफ रहे, ये चाहना इसकी चाहना गलत नहीं है। पर ये दुनिया में है नहीं, ये दुनिया में है नहीं। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। यू हैव टू इनकर द रिस्क, यू हैव टू फेस द रिस्क। और बेटे मैं आज उसी रिस्क की बात करने वाला हूं कि व्हाट कैन बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क व्हिच आर देयर इन इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड। देखिए एक बार देखिए, हर फिक्र को हवा में उड़ाता चला गया। जब SBI म्यूचुअल फंड हो तो फिक्र किस बात की, म्यूचुअल फंड। अब देखिए उन्होंने कहा जब SBI म्यूचुअल फंड हो तो फिक्र किस बात की, लेकिन लास्ट में देखिए क्या लिखा है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। इसका मतलब आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क इन्वॉल्व हैं। नो डाउट मैंने म्यूचुअल फंड के बड़े सारे बेनिफिट्स आपको बताए, बट स्टिल देयर आर सम रिस्क इन्वॉल्व इन अ म्यूचुअल फंड। तो बेटे मैं भूपेश आनंद आज आपको यही बताने जा रहा हूं कि ऐसे कौन से रिस्क है जो हमें ध्यान देने हैं। बेटे मैंने उन्हीं वर्ड्स को यहां पे लिखा है, कंसेप्ट नंबर 14। आप प्लीज रजिस्टर में जरूर लिखना, जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखना। रिस्क इन्वॉल्व इन रिलेशन टू म्यूचुअल फंड, रिस्क इन्वॉल्व इन रिलेशन टू म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, प्लीज रीड ऑल सिक्योरिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। इसका मतलब हम ये कहें कि रिस्क नहीं है, बेटे ये कहना गलत है। वो भी HDFC वाला भी बंदा भी यही बोल रहा था, आज मैं भी यही कह रहा हूं। आपको क्या लगता है, इफ आई इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड व्हाट कैन बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड। बेटे एक्सपोर्ट मैनेजमेंट तो मिल रही है, डाइवर्सिफिकेशन भी हो रही है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारा फंड, हमारे पैसे बेटे फंड मैनेजर के ऊपर की डिसीजन के ऊपर रिलेट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, और क्या पता फंड मैनेजर ने गलत डिसीजन ले लियो। बेटे अगर गलत डिसीजन ले लेगा तो हमारे पैसे डूब जाएंगे। इसका मतलब हमें वो रिटर्न नहीं आ सकता जो आना चाहिए था, जो जितना होना चाहिए था,
that return cannot be expected. It means there are different types of risk involved in that. तो आज हम पहले उन्हीं रिस्क की बातें कर रहे हैं, हम उन रिस्क को डिस्कस करेंगे बेटे। तो दोस्तों, these are the risks involved in a mutual fund. बेटे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि what are the risks involved in relation to mutual funds. So these are the 14 words which are very important. Mutual funds are subject to market risk. Please read all scheme related documents carefully. मैंने आपको अभी YouTube के दोनों videos भी दिखाए और उसके last में भी ये बताया कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें कोई रिस्क नहीं है. Everything is uncertain. तो how a mutual fund investment can be certain? There is uncertainty involved in that. So today अभी हम उनके रिस्क को डिस्कस करने जा रहे हैं. तो बेटे पहला रिस्क लिखिए, एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन. नो डाउट डाइवर्सिफिकेशन इज गुड, बट बेटे एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन कई बार इट इज अ नेगेटिव इंपैक्ट, इट गिव्स अ नेगेटिव इंपैक्ट. फॉर एग्जांपल, आई एम डूइंग ऑनलाइन लेक्चर्स आल्सो, आई एम टीचिंग फेस टू फेस आल्सो, आई हैव वन मोर रेस्टोरेंट आल्सो, एंड आई एम इन्वॉल्व्ड इन शेयर बिजनेस आल्सो. तो बेटे मैंने अपने आप को डाइवर्सिफाई तो कर दिया, मैं वीडियो लेक्चर्स भी रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं फेस टू फेस के लेक्चर्स भी ले रहा हूं और वीडियो लेक्चर्स अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसके बाद मेरा शेयर का बिजनेस भी है, मेरा एक रेस्टोरेंट भी है. तो बेटे मैं इन चारों को कैसे मैनेज कर पाऊंगा? पता चलेगा ना घर का ना घाट का. बेटे ज्यादा डाइवर्सिफाई करना can be a negative impact also. So please write down the risk involved in investment of mutual fund. First is excessive diversification. और इसमें मैंने आपको अपनी case study बताई कि I am doing video lectures, I am doing face to face, I am running a restaurant and I am also running a stock exchange business. So all these are no doubt it helps me in diversifying. But excess diversification is also not good. Second, बेटे too much concentration on blue chip securities. आपको मालूम है blue chip securities क्या होती है बेटे? आपको मालूम है what I mean by blue chip securities? So let me Google it and let me find out blue chip securities. Blue chip securities. बेटा ये आ गया blue chip. Blue chip stocks are shares of very large and well recognized companies. अब होगा क्या कि जो mutual fund का जो AMC है, उसका जो fund manager है, वो ज़्यादातर investment करेगा blue chip companies में. ऐसी companies जो बहुत बड़ी-बड़ी big companies हैं, जिनकी turnover 10,000 करोड़, 5,000 करोड़ plus है, और बेटा वो well recognized companies हैं, जैसे for example Reliance. For example, HDFC. For example, Apollo Tire. For example, Maruti Suzuki. Bete, all these companies are blue chip and big companies. They are big brands. Because they have already expanded to the highest extent, to jada expand hona inke liye negative ho sakta hai, kyunki ek level ke baad expand nahi karte. But the AMC, but the fund manager, but the chief investment officer, they put more emphasis on blue chip companies. So that can be a negative factor. Now, what I mean by blue chip? List of blue chip stocks. Let us see what is a list of blue chip stocks. Bede housing development. How HDFC, blue chip है, ठीक है जी, यहाँ देखिए Tata Consultancy is a blue chip, तो आप देखें HDFC Bank is a blue chip, ITC, Infosys, Housing Development, Coal India, Hindustan Unilever, Wipro, Axis Bank, Larsen & Toubro, Maruti Suzuki, HCL, Mahindra & Mahindra, Asian Banks, Asian Paints, Bharat Petroleum, Bajaj Auto, Lupin Limited. All these companies are blue chip और उन्होंने market का एक share achieve कर लिया है.
अब बेटे इसके ज्यादा अचीव करना बड़ा मुश्किल काम है. नाउ बिकॉज द इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, बिकॉज द एएमसी विल इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज, तो रिटर्न उस लेवल पे ग्रो नहीं होगा एज कंपेयर टू इफ दे वुड हैव इन्वेस्टेड इन एसएमईज, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. मैं एग्जांपल देता हूँ सचिन तेंदुलकर का. बेटे आप मुझे बताओ कि सचिन तेंदुलकर वर्सेस विराट कोहली किस व्यक्ति को इंडियन क्रिकेट टीम में रखना चाहिए? नो डाउट सचिन इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट सचिन हैज ऑलरेडी अचीव्ड दैट लेवल. बेटे अगर हम ब्लड की बात करें तो न्यू ब्लड है विराट कोहली में, हॉट ब्लड है विराट कोहली में. सचिन तेंदुलकर ने ऑलरेडी वो काम कर लिया है, अब हम ज्यादा उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट अभी विराट कोहली ने करना है. तो मेरे हिसाब से वी शुड कीप विराट कोहली एज अ कैप्टन और एज अ टीम मेंबर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम एज कंपेयर टू सचिन तेंदुलकर. यू आर गेटिंग अ पॉइंट? सो मोस्ट ऑफ द एएमसी कंपनीज दे विल इन्वेस्ट इन, कहां पे इन्वेस्ट करेंगी? ब्लू चिप में, एंड हेंस दैट कैन बी नेगेटिव. सो सेकंड रिस्क इज टू मच कंसंट्रेशन ऑन ब्लू चिप सिक्योरिटीज. एंड आई हैव टोल्ड यू द केस स्टडी ऑफ सचिन तेंदुलकर वर्सेस विराट कोहली, लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप. द थर्ड रिस्क इज हाई टर्नओवर, बिकॉज यू नो द इट इज द रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फंड मैनेजर टू गेट द रिटर्न फ्रॉम दैट. एंड इफ फंड मैनेजर इज ऑफ द व्यू दैट दिस स्टॉक इज नॉट गुड और this stock is good, then that fund manager will buy the good stock as per him and will sell the overvalued stock. So the point is there will be huge turnover, and when there is a huge turnover, my dear friends, transaction cost badh jayegi, brokerage cost badhegi, commission cost badhegi, tax cost badhegi, so transaction cost will increase. So high turnover as fund manager has to buy and has to sell frequently. फंड मैनेजर को ज्यादातर फ्रीक्वेंटली बाय और सेल करना है, विच विल इंक्रीज ट्रांजेक्शन कॉस्ट. सो वी आर डिस्कसिंग द रिजल्ट्स, वी आर डिस्कसिंग द रिस्क इन्वॉल्व, वी आर डिस्कसिंग द रिस्क इन्वॉल्व इन अ म्यूचुअल फंड. सो आई हैव डिस्कस्ड, यू नो, फर्स्ट रिस्क आई हैव डिस्कस्ड ह्यूज डाइवर्सिफिकेशन. सेकेंड रिस्क इज ह्यूज इन्वेस्टमेंट और कंसेंट्रेशन ऑन ब्लू चिप कंपनीज. Third is high turnover. Fourth is unresearched forecast. Sometimes it may be possible that we have not done good research. और बेटे कई बार तो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाती है. मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016. बेटे लीगल टेंडर खत्म हो गया उन करेंसीज का, किसको क्या पता था. तो गवर्नमेंट पॉलिसीज आर अनप्रिडिक्टेड एंड आई कैनॉट प्रिडिक्ट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट. सो दिस कैन बी अ नेगेटिव फैक्टर फॉर और अ रिस्क फॉर अ म्यूचुअल फंड. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेटे एएमसी द कैप्टन इज फंड मैनेजर, द कैप्टन इज फंड मैनेजर एंड द होल टीम इज एएमसी. बेटे वो फंड मैनेजर जब भी जीतता है, व्हेनेवर देयर इज अ ह्यूज रिटर्न, फंड मैनेजर कहेगा इट इज ड्यू टू माय स्ट्रेटजीज. और जब रिजल्ट अच्छा नहीं होगा वो अपने कंधे पे कुछ भी नहीं रखेगा, वो कहेगा इट इज ड्यू टू मार्केट रिस्क इन्वॉल्व इन दैट. सो द पॉइंट इज देयर आर द रिस्क इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स, बट स्टिल वी हैव टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, बिकॉज इफ आई कंपेयर इट विद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड इज स्टिल अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट. सो टूडेज लेक्चर आई हैव डिस्कस एडवांटेजेस. मैंने आपको एडवांटेजेस बताई, मैंने आपको कॉस्ट बताई, मैंने आपको रिस्क इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड बताया, और मैं भूपेश आनंद आपके सामने इस बुक में, अपनी जो बुक है उसमें आ रहा हूँ, और उसमें मैंने एडवांटेजेस लिखी. मैंने उसके बाद व्हाट आर द म्यूचुअल फंड्स, हाउ इट ऑपरेट्स, ये हम कर चुके हैं. बेटे क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड. बेटे मैंने स्लाइड्स भी लिखवाई, मैंने एक्सप्लेन भी किया, मैंने एग्जांपल्स भी बताए, और बेटे मैंने आपको अपनी बुक में एक आंसर भी दिया. बेटे ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड्स मे फेस द फॉलोइंग रिस्क्स लीडिंग टू नॉन सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस: एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, लूजिंग फोकस ऑन द सिक्योरिटीज ऑफ द की सेगमेंट्स, टू मच कंसेंट्रेशन ऑन ब्लू चिप सिक्योरिटीज, necessity to effect high turnover through liquidation of portfolio,
पुअर प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, अनरिसर्च बेटे जो मैंने बताया आपको लिख भी दिया है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस, कॉस्ट और रिस्क इंपॉर्टेंट है, करके जाने यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य।